हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। बेटा एज यू नो वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 13, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बर्ड्स कम बर्ड्स गो। ट्रांसलेशन हम करेंगे तो चिड़ियाँ आई और चिड़िया गई, बट इट इज़ अगेन अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हेयर वी हैव मैनी बर्ड्स, सो अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज सिटिंग हेयर एंड दे आर सेइंग हे देर आर 25 बर्ड्स हेयर, लुक अप सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग। बेटा कुछ चिड़ियाँ यहाँ पे हैं और सारी उड़ के आ रही हैं, तो ये बच्चे ये बात कह रहे हैं। वॉट दे हैव डन इज ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट इस काउंट देम यूजिंग आर कार्ड्स। दीज चिल्ड्रन हैव मेड सम कार्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर 10 बर्ड्स दे हैव यूज दिस स्क्वायर कार्ड ऑफ येलो कलर। For one, they have used this blue card of triangular shape. This is the square shape for which they have used 10 birds in one card, that is the yellow color card, and it is in square shape. For one bird, they have used triangular card and it is in blue color. 110 card for this whole group. तो 10 चिड़ियों के ग्रुप के लिए एक येलो कलर का स्क्वायर कार्ड, और सिंगल सिंगल चिड़ियों के लिए उन्होंने क्या करा है बर्ड्स के लिए, वन ट्रैंगुलर कार्ड ऑफ ब्लू कलर। सो दीज कार्ड शो 16 बर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमें क्या दिखा रहे हैं, 16 बर्ड्स, बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम, नाउ दे आर डिस्कसिंग फर्दर मोर थिंग्स। बेटा यहाँ पे ये कार्ड्स दिखाने का मतलब ये है, जैसे आपने काउंटिंग इन ग्रुप्स पढ़ा था ना, कि हमें काउंटिंग ग्रुप में जब हम करते हैं तो हमारे लिए काउंटिंग ईजी हो जाती है, उसी तरह से इन बच्चों ने भी 10 का ग्रुप बना दिया है जिसकी वजह से इनकी काउंटिंग इनको ईजी लग रही है। सो इन दिस चैप्टर अगेन वी विल लर्न सम काउंटिंग इन ग्रुप्स इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, दैट यू विल सी इन द copy work. Now, soon 25 more birds flew in. Let us add to see how many birds in all are there now. There are now. देखिए बेटा, 16 birds थी, 25 और आ गई, तो now they have added. यहाँ पर उन्होंने card के form में दिखाया है, but you have to add it simply. Okay? So, the total number of birds is 41. अगेन बेटा, नाउ यू विल सी इन द सेम वे वी विल ऐड द नंबर ऑफ स्वैंस एंड क्रेन्स। जैसे ही इन्होंने चिड़ियाँ ऐड करी हैं, वैसे स्वैंस और क्रेन्स भी ऐड करने हैं आपको। ठीक है, यू हैव टू ऐड हियर एंड राइट द आंसर, राइट। वन मॉर्निंग सूरज सो दैट आउट ऑफ 70 बर्ड्स ओनली 26 बर्ड्स वर लेफ्ट। यहाँ पे 70 हो गई थी बर्ड्स, लेकिन अब बची सिर्फ 26, तो द रेस्ट हैड गॉन अवे, बाकी चिड़ियाँ उड़ गई। तो यहाँ पे दे हैव इंट्रोड्यूस सब्ट्रैक्शन अगेन, 44 बर्ड्स हैव गॉन अवे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये इन्होंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया है। सूरज, डोंट बी सैड, लेट अस होप दे कम बैक नेक्स्ट ईयर। तो उसके फादर क्या समझा रहे हैं, अंकल हैं या फादर हैं, हुएवर, कि सूरज परेशान ना हो बेटा, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं चिड़ियाँ दोबारा वापस आ जाएंगी। ठीक है बेटा, दैट यू विल डू दिस सम, देन हेयर सब्ट्रैक्शन, दिस यू विल डू, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट पेज वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स। रीड इट आउट टूडे, योर होमवर्क इज़ टू रीड दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। इन द नेक्स्ट रन आई विल एक्सप्लेन यू द वर्ड प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द वर्ड प्रॉब्लम्स। टिल देन प्लीज रीड आउट द वर्ड प्रॉब्लम्स एट द पेज नंबर 116। ओके, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।